सहारनपुर के खनन माफिया पूर्व MLC हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला के प्रवर्तन निदेशालय ने देहरादून स्थित करोड़ों की संपत्ति अटैच की है। मसूरी डायवर्जन स्थित इस जमीन की कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया गया कि दो दिन पूर्व ED के लखनऊ शाखा के अधिकारियों ने संपत्ति को अटैच कर चेतावनी बोर्ड लगा दिया है। हाजी इकबाल के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे सहारनपुर व अन्य जगहों पर चल रहे हैं। पिछले दिनों खनन माफिया की ED ने जांच शुरू की थी। सूत्रों के मुताबिक हाजी इकबाल के खिलाफ तमाम साक्ष्य जुटाने के बाद पता चला था कि उसकी एक जमीन देहरादून में मसूरी डायवर्जन पर भी स्थित है। इस प्लॉट को उसने करीब 1.5 दशक पहले खरीदा था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मंगलवार को ED की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। लखनऊ के 4 अधिकारियों ने जमीन की पैमाइश कराने के बाद इस पर अटैचमेंट का बोर्ड लगा दिया। अब इस संपत्ति को सरकार में संबद्ध कर दिया गया है। हाजी इकबाल बसपा से MLC रह चुके हैं। इकबाल के खिलाफ मिर्जापुर में कई मुकदमे दर्ज हैं। उस पर दुष्कर्म का मामला भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। साथ ही उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। UP पुलिस ने हाजी इकबाल को हिस्ट्री शीटर घोषित करने के साथ ही परिवार के सदस्यों पर भी शिकंजा कसा हुआ है। SP देहात ने बताया कि हाजी इकबाल पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। वह कई मामलों में वांछित चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। जबकि उसका भाई महमूद अली और तीन बेटे इस समय जेल में बंद हैं।